Hello students, good morning. How are you? I hope you are all very very well and fine. बच्चों आज मैं आपको पढ़ाऊंगी chapter 10 में exercise 10.4 decimal. Decimal में आपने अब तक पढ़ा है decimal convert into fraction या fraction convert into decimal. Like fraction, unlike fractions and comparing the decimal. आज आप पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल. बच्चों सब आप सभी को एडिशन करना आता है एंड सब्ट्रैक्ट करना आता है. सिर्फ ये है कि यहाँ पर डेसिमल में दिए हैं तो आपको करना क्या है, नंबर्स जो दिए गए हैं, दिए गए नंबर्स को कॉलम में लिखिए. जैसे फर्स्ट नंबर आपको लिखना है 13.58, लिख लिया बच्चों. सेकेंड लाइन में आप लिखेंगे 14.9. ध्यान इस बात का देना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए एंड पॉइंट से पहले और बाद में जो नंबर है वो पॉइंट के पहले और बाद में आना चाहिए. 13 के नीचे लिखिए 14, पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड 5 के नीचे 9. आप इनको प्लस कर दीजिए तो आंसर क्या आएगा, 8. ओके, क्योंकि 8 के नीचे तो कोई नंबर है नहीं, यानी 0 है, तो 8 प्लस 0 8. 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 14. 14 के 4 कैरी 1, 4 प्लस 3 7, 7 में 1 प्लस कीजिए 8 एंड 1 प्लस 1 2. ओके, तो इस तरीके से आपको डेसिमल साइन लगाना है. डेसिमल क्या होता है बच्चों, डेसिमल जो कि एक पॉइंट होता है, छोटे सा एक बिंदु है, उसी को तो डेसिमल बोलते हैं. अच्छा, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए सभी बच्चों. 0.193 आप सबने लिख लिया. अब सेकेंड लाइन में लिखिए 0 के नीचे 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब इसके बाद 1 के नीचे 0, फिर इसी प्रकार 0, 4, आपने लिख लिया. अब इनको भी प्लस कर लेंगे उसी प्रकार से जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें आप प्लस करेंगे. तो सबसे पहले आप ये देखिए, 2 नंबर्स जो हैं वो लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल है, जबकि थर्ड वाला अनलाइक. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इनको लाइक फ्रैक्शन डेसिमल बना दीजिए. कितने डिजिट हैं थर्ड में, 3, तो आप 3 को तो 2 नहीं बना सकते, लेकिन 2 को 3 बनाया जा सकता है. उसके लिए क्या करना है आपको, यस, एक 0 लगा दीजिए साथ में, तो क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन. जैसे 8.630 प्लस 1.840 प्लस 3.652. आप सभी नंबर्स को आप कॉलम में लिखिए और लिखने के बाद प्लस कर दीजिए. ध्यान रहे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ठीक है. अच्छा, इसी प्रकार से अब आप लोगों को करना है सब्ट्रैक्ट. तो बच्चों सब्ट्रैक्ट के लिए भी जैसे आपने एडिशन किया है वैसे ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है एडिशन करते समय प्लस का साइन कर लगाना है और सब्ट्रैक्ट करने में माइनस का साइन. 1 - 1.3 - 0.7. ओके, अब आपका यहाँ पर इनको भी आप कॉलम में लिख लो 1.3, फिर सेकेंड लाइन में लिखिए 0.7. 3 - 7, यानी 3 तो ऑलरेडी लेस देन 7, सो टेक बोरो फ्रॉम 1, 13. 13 - 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 6. आंसर क्या हो जाएगा, 0.6. इसी प्रकार से
नेक्स्ट नंबर है 25.4 माइनस 18.132। फिर लिखिए बच्चों 25.4। अभी बताइए 25.4 ग्रेटर नंबर है ना 18.132 से? यस। तो करना क्या है आपको, इसको लाइक फ्रैक्शन बनाइए। 25.400। अब लिखेंगे सेकेंड स्टेप में क्या लिखना है आपको, 25 के नीचे लिखिए 18.132। 0 माइनस 2, 0 से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कैरी बोरो लेना होगा। ठीक है, बोरो लीजिए बच्चों। 10 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितने बच जाएंगे, 10 में से 2 माइनस कीजिए 8, फिर 9 माइनस 3 6, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, फिर पॉइंट हो गया 5 माइनस 8। फिर से एक बार आप बोरो लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 माइनस 8 7। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे, और आप लोग जो आपस में चीटिंग करते हैं उस चीटिंग नहीं करनी है। ओके, तो अब सब लोग अपना वर्क जल्दी से जल्द कंप्लीट कर लीजिए, और हमें करेक्शन के लिए तुरंत भेजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आपको अगर 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आप 2 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन वर्क हमको दिखना चाहिए, डायरेक्ट आंसर नहीं। ओके,